नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य आत्रे। चुनावी साल में सीएम अशोक गहलोत जनता को सौगातें देने में पीछे नहीं हट रहे हैं, इसकी वानगी स्वतंत्रता दिवस पर देखने को मिली। सीएम गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस पर अपनी योजनाएं गिनाई और कुछ बड़ी सौगातें जनता को दी। इस बार सीएम गहलोत अपने कार्यकाल में हर वर्ग को छूने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यकाल में गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों को पहले ओल्ड पेंशन स्कीम, 200 यूनिट बिजली फ्री, 19 नई जिले और महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन व राशन किट जैसी योजनाएं देकर जमकर सुर्खियां बटोरी हैं, जिसके बाद विपक्ष ने सीएम अशोक गहलोत को घोषणाजीवी की भी उपाधि दे डाली। लेकिन सीएम आचार संहिता से पहले हर वो कोशिश करना चाह रहे हैं जिससे उनकी सरकार रिपीट हो सके। पहले बात करेंगे सीएम ने 15 अगस्त को क्या कुछ सौगातें प्रदेश की जनता को दी। 15 अगस्त को जब सीएम अशोक गहलोत एसएमएस स्टेडियम में पहुंचे तो उम्मीद नहीं थी कि वो लोगों को जो है सौगातें यहाँ पे देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ बड़ी सौगातें देकर जनता को, जो से जुड़ी बड़ी सौगातें हैं वो देकर सभी को चौंका दिया। अब बात करते हैं कुछ ऐसी योजनाओं की जिसको लेकर काफ़ी चर्चे हैं। सीएम गहलोत ने पुलिस में अब डीपीसी को लेकर एक बड़ा जो है ऐलान 15 अगस्त के दिन किया, यानी पुलिस में अब डीपीसी से प्रमोशन होंगे, मतलब अब पदोन्नति के लिए परीक्षा नहीं देनी होगी। वहीं 1250 करोड़ में जयपुर के रामगढ़ बांध को ईसरदा से पानी लाकर भरा जाएगा। देखिए, जो रामगढ़ बांध का मुद्दा है वो सालों से लगातार उठ रहा है। आखिर रामगढ़ बांध जो एक समय में जयपुर की प्यास बुझाया करता था, पिछले कुछ सालों से लगातार बारिश की कमी के कारण भर नहीं पा रहा है। कई तरह की जो बातें हैं वो भी निकल के आई थी कि एनीकट है, इसके अलावा जो अतिक्रमण है वो बांध के कैचमेंट एरिया में कर लिए गए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से सीएम गहलोत ने कहा है कि इस बांध को भरा जाएगा, जिसके बाद जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो पेयजल से जो जुड़ी समस्या है उसको दूर किया जा सकेगा। इसके अलावा ईआरसीपी में 53 बांध और जोड़ने की बात सीएम अशोक गहलोत ने कही, जिससे सीधा सीधा 11 लाख किसानों को फायदा होगा। 1 करोड़ महिलाओं को अगले फेज में स्मार्टफोन मिलेंगे, इसके लिए गारंटी कार्ड दिए जाएंगे। देखिए, आमतौर पर चुनाव से पहले कई तरह की घोषणाएं सरकार की ओर से की जाती है, लेकिन अशोक गहलोत ने एक मास्टर कार्ड खेला गारंटी कार्ड का, और स्मार्टफोन को लेकर उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार सत्ता में नहीं लौटती है उसके बावजूद आप गारंटी कार्ड दिखाकर जो ये मोबाइल है वो ले सकते हैं, यानी अगर सरकार बदलती भी है तब भी लोगों को जो घोषणाएं सरकार ने की है उसका फायदा मिल सकेगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों को भी फ्री राशन किट मिलेगा। घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को अब 10,000 मिलेंगे। अगले 2 महीने तक मिशन 2023 के विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए जनता से सुझाव लिए जाएंगे। 2030 की बात अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि 2030 तक राजस्थान को 35 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि गहलोत ने राजनीति की पिच पर आखिरी बॉल पर छक्का मार दिया है। अब चुनाव में उतरने का वक्त है और प्रचार करने के लिए गिनाने को बहुत सारी योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास हैं। हालांकि इन घोषणाओं के क्या पॉलिटिकल मायने हैं और इसे लेकर अब यहां पर बात करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार बयान दिया है कि जनता के लिए जो योजनाएं सरकार ने लागू की है उसे लेकर वे चुनाव मैदान में उतरेंगे, और महंगाई राहत कैंप एक गेम चेंजर जरूर कांग्रेस के लिए यहां पर साबित हुआ है, जिसमें आमजन को काफ़ी फायदे सरकार ने यहां पर दिए हैं। गहलोत सरकार ने ओपीएस, चिरंजीवी, पहले 50 फिर 100 और अब 200 यूनिट फ्री बिजली देकर जो एक मास्टर स्ट्रोक है वो यहां पर खेला है। इसके अलावा 500 रुपये में गैस सिलेंडर जैसी योजनाएं भी लागू करने की बात मतलब 500 रुपये में जो गैस सिलेंडर है वो अब जो पात्र लोग हैं उनको यहां पर दिया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव आसान नहीं होने वाले। हालांकि देखिए, भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर
एमपी है और अन्य जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी एक स्टार प्रचारकों की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। और हमने देखा था कि पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार राजस्थान में एक्टिव हैं और जो चुनावी वर्ष है उसमें कैसे भी सत्ता हासिल की जाए उसका प्रयास लगातार कर रहे हैं। वर्तमान राजनीतिक क्षेत्र को देखा जाए तो स्टार प्रचारकों के नाम की जो सूची है वो निश्चित तौर पर भाजपा की भारी दिखाई दे रही है, लेकिन अशोक गहलोत को भी कुशल और सफल राजनीतिक में गिना जाता है। इसी कारण गहलोत ने योजनाओं और घोषणाओं को ही स्टार प्रचार के रूप में खड़ा कर दिया है। लेकिन इस बार गहलोत सरकार ने कई सियासी संकट झेले और कोरोना काल भी आया, इसके बावजूद अपने पहले बजट में ही जनता के लिए योजनाओं का पिटारा सीएम ने खोल दिया। राजस्थान में 4 दशक से सरकार रिपीट नहीं हो पाई है, ऐसे में अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं से सरकार रिपीट कर पाते हैं या नहीं। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो टास्क है पिछले 4 दशक से सरकार जो है राजस्थान में रिपीट नहीं हुई है, और सीएम अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं कि इस बार हम हमारी योजनाओं को लेकर मैदान में उतरेंगे और जो एक मिथक है उसे यहाँ पर तोड़ेंगे और सरकार रिपीट करेंगे। नगरी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।